नमस्कार दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलेगा दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची इस समय सबसे ज़्यादा टेंशन में नज़र यही आ रही है कि आखिरकार हमारी बच्ची का क्या होगा। क्योंकि दोस्तों जिस तरीका से पूछा गया था, क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि प्राची से पूछा गया है कि प्राची आखिरकार पूरा मसला क्या है, पूरा मामला क्या है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाली कहानी में एक बार फिर से देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार बोलते हुए नजर आ रहे हैं इस चीज़ को रणबीर भी कि प्राची जहाँ पर भी है जैसे भी है उसको बताना पड़ेगा कि आखिरकार चल क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों प्राची ने इस समय रणबीर को कॉल करके बता दिया है कि यहाँ पर खुशी रुकी हुई है और हम यहाँ से खुशी को लेते हैं, क्योंकि खुशी को इस समय बेहोश कर रखा है और बेहोशी की हालत में आप लोग जानते हैं कि खुशी के साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसमें भी कोई संशय वाली बात है ही नहीं। क्योंकि सभी लोगों को पता ही चल गया है कि खुशी एक छोटी बच्ची है और उसके साथ में अगर कुछ घटना हुई तो इस घटना का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ये ही लोग होने वाले हैं। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी में वाकई में ज़बरदस्त ट्विस्ट भी देखने को मिल रहा है। बात की जाए इस समय आखिरकार रणबीर की, तो रणबीर ने बोल दिया है कि प्राची तुम्हें मेरे होते हुए घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि दोस्तों प्राची इस समय उस लड़की यानी खुशी की अपनी मां बताती हुई नज़र आ रही है कि मैं उसकी मां हूं, जिसके बाद में एक लेडीज़ थी बुढ़िया सी वो बोलती हुई नज़र आ रही है कि तुम क्या सगी मां हो। क्योंकि दोस्तों उस बुढ़िया को तो सब पता है और वो पैसा ऐंठने के चक्कर में इतना बड़ा प्लान कर रही है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय की बड़ी खबर मिल रही है कि अक्षय और साथ में रिया दोनों ही इस समय पहुंचने जा रहे हैं, वो भी किसी और के पास नहीं बल्कि सबसे बड़ी हिफाजत के साथ में, जी हाँ प्राची के पास में। और साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि प्राची के पास में पहुंचना कितना ज़्यादा